कि अरे रे जंगल के धरती पर गवाही कि यही रेजिमेंट चाही। इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय यादव जय माधव के साथ। बड़े भैया हम छात्र हैं और एक नौजवान हैं, सबसे पहले गीत के माध्यम से आपका स्वागत करना चाहते हैं। अगर अच्छा लगेगा इन नौजवानों के तालियों का समर्थन चाहूंगा। अरे अहिल पाट गगन भैया अरे स्वागत बा तुहार हो, गोरखपुर के माटी तुहके करेले सलाम हो। अरे अहिल पाट गगन भैया स्वागत बा तुहार हो, गोरखपुर के माटी तुहके करेले सलाम हो। अरे हर दम लड़ल कर हक अधिकार खातिर, अरे हर दम लड़ल कर हक अधिकार खातिर, करेले सलाम तुहके युवा नौजवान हाथी। अरे करेले सलाम तुहके हर युवा नौजवान साथी। आपका मैं इस गीत के माध्यम से स्वागत करता हूँ भैया। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो इस समय मिलकर बोझ उठाने का किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप? क्या इस चीज का इंतजार कर रहे हो कि इस गगन को आजमा लेते हैं, इसकी दाढ़ी के बाल जब सफेद हो जाएंगे तब हमें पता लगेगा कि ये कितना सच्चा सिपाही है समाज का? क्या इस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर इस बात का आप इंतजार कर रहे हैं तो आगे आप ना जाने कितने और क्रांति करने वाले युवाओं को आज ही घर में दबा देंगे। तो उस बुलडोजर से अगर बचना चाहते हैं तो आप लोगों को संगठित रहना पड़ेगा। आज हमारे समाज के साथ शोषण होता है, किसी को सताया जाता है, तो हम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। हम सोच रहे हैं हम तो फोन पर देख लेंगे, ये कोई पबजी चल रहा है कि फोन में खेल लेंगे। सैनिक लड़ने के लिए सरहद पर जाता है ना, अगर वो फोन में खेलता रहेगा पबजी की तरह तो आपके राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? तो सैनिक को तो जमीन पर आना पड़ेगा, सैनिक को तो सरहद पर खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप सभी तो समाज के सैनिक हैं। जब ये सैनिक समाज की इस लड़ाई में अपने घरों की दहलीजों को नहीं लांगेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में ये खड़े नहीं होंगे तो कौन लड़ेगा, कौन आवाज उठाएगा? फिर तो शोषण होना स्वाभाविक है। आज किसी और का हुआ है, कल को आपका होगा, और फिर जब आपका होगा तो आप लोग ये कहेंगे कि मेरा समाज तो मेरे साथ ही नहीं है। तो जरा एक बार विचार खुद से भी कीजिएगा, एक सवाल खुद से भी कीजिएगा कि जब समाज को आपकी जरूरत थी तो आपने कितना समाज के साथ थे, आपने कितना समाज को ताकत दी थी।